हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई गुजराती मूवी जमखुरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुजरात के एक गांव रानीगंज से, जहाँ हम सरपंच की बेटी सपना को देखते हैं जो गाने सुन रही थी। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और उसे कहते हैं कि वो सो जाए और गाने सुनना बंद करें। अब जब उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं, तभी सपना को कुछ आवाज आती है जिससे वो काफी डर जाती है कि तभी उसे कोई खींचकर वहां से गायब कर देता है। जिसके बाद कहानी दो दिन पहले जाती है, जहां पर सरपंच की बेटी सपना अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गरबा कर रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन्हें गरबा करने से रोकता है, जिसके बाद वो सपना को डांटने लगता है कि उसे पता है कि गरबा करना नहीं चाहिए, फिर भी वो गरबा कर रही थी। सपना की दोस्त किंजल, जो अभी अभी इस गाँव में आई है, वो उस आदमी से पूछने लगती है कि आखिर गरबा करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ जो भी लड़की गरबा करती है वो गायब हो जाती है। वो आदमी बताता है कि नवरात्रि में हर तरफ गरबा होता है, लेकिन रानीगंज में कोई भी गरबा नहीं खेलता क्योंकि यहाँ पर एक भूतनी का वास है, अगर कोई भी गरबा करेगा तो वो उसे गायब कर देगी। अब किंजल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि उन्होंने गरबा करके बहुत गलत किया है, वो बस प्रे करे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। जिसके बाद हम मंसूर नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स को रीडेवलप किया करता था। वो एक चाय स्टॉल पर आता है और रानीगंज के महल को रीडेवलप करने की बातें करने लगता है। जैसे ही वो रानीगंज के महल की बात करता है, सब लोग वहां से डरकर चले जाते हैं। तो वही टपरी वाला मंसूर को बताता है कि उस महल में ना जाए, क्योंकि वहां पर जमखुरी की आत्मा है जो उस महल में किसी को भी कुछ भी करने नहीं देगी। लेकिन मंसूर को उनकी बातों पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए वो महल चला जाता है। हवेली के बाहर ही बाबू नाम का एक एजेंट मनसुख का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली बाबू वही का रहने वाला है और वही मनसुख को महल दिखाने वाला था। अब मनसुख बाबू से पूछता है कि क्या सच में यहाँ पर जमखुरी की आत्मा है, लेकिन बाबू को कमीशन चाहिए था इसलिए वो झूठ बोलता है कि ये जमखुरी की आत्मा वगैरह सब कुछ झूठ है, लोगों ने ऐसी कहानियां फैला दी है। जिसके बाद दोनों महल के अंदर जाते हैं और मनसुख बाबू से जमखुरी की कहानी पूछने लगता है। तो मनसुख बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर इंद्र नाम के राजा का राज्य था। राज्य में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और साथ ही ये भी पता चलता है कि उस राजा की 99 क्वींस थी। जिसके बाद राजा ने जमखुरी नाम की लड़की से शादी की और उसे अपनी रानी बनाया, लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ बर्बाद होने लगा। एक दिन जमखुरी ने जलस होकर जब बाकी रानियां सो रही थी तो उनके ऊपर तेल डाला और फिर आग लगा दी, जिसमें बाकी सारी रानियों की मौत हो गई। जिसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर दिया और तभी से कहा जाता है कि इस महल में जमखुरी की आत्मा है। बाबू बताता है लेकिन उसे इस बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जैसे ही वो ये बोलता है, हम किसी के साये को उनके सामने से जाता हुआ देखते हैं, जो देखकर मनसुख डर जाता है, लेकिन बाबू कहता है कि उसका भ्रम होगा। अब बाबू मनसुख को महल दिखाने लगता है और वहां पर अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी, लेकिन बाबू हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मनसुख को इन सब में बिलीव करने से मना कर देता। जिसके बाद वो दोनों एक बेसमेंट के पास आते हैं और मनसुख कहता है कि उसने हमेशा मूवीज में देखा है कि हवेली के बेसमेंट में काफी सारा खजाना होता है, इसलिए वो बेसमेंट में जाना चाहता था। अब बाबू पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन मनसुख कहता है कि अगर खजाना मिल गया तो बाबू को भी बहुत कुछ मिलेगा। अब ये सुनते ही बाबू मनसुख के साथ बेसमेंट में चला जाता है। वहां पर काफी अंधेरा था और तभी अचानक मनसुख गायब हो जाता है, जो देखकर बाबू काफी डर गया था। वो जब बाहर जाता है तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था। बाबू उसे लेकर अंदर आता है और जो हुआ वो बताता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को जब भी डर लगता तो वो उल्टी करता, इसलिए वो डर के मारे वहां पर उल्टी करना शुरू कर देता है कि तभी उनके सामने मनसुख आता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने भूतनी को देख लिया। तो वही बाबू भी अपने घर पर आराम कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि गाँव वाले उसके घर पर हमला करने के लिए आ रहे थे। एक्चुअली गाँव वाले बाबू पर इसलिए गुस्सा थे क्योंकि बाबू ने हवेली का दरवाजा ओपन किया था और गांव वालों को लग रहा था कि उसकी वजह से जमखुरी बाहर आ गई। साथ ही गांव वाले किंजल पर भी गुस्सा थे क्योंकि किंजल सरपंच की बेटी के साथ गरबा कर रही थी और अब सरपंच की बेटी भी गायब हो गई थी, इसलिए गांव वाले बाबू और उसकी बेटी दोनों पर काफी गुस्सा थे। इसलिए बाबू अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उसके घर को बाहर से लॉक कर दे ताकि गांव वालों को पता ना चले कि बाबू और उसकी फैमिली घर के अंदर है। जिसके बाद हम बाबलो नाम के लड़के को देखते हैं जो एक लड़की के साथ डेट पर आया था। एक्चुअली बाबलो शादी करना चाहता था लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी।
साथी बाबलो का एक खास दोस्त है जिसे सब लोग घेला कह के बुलाते हैं। घेला वहाँ आकर बाबलो को बताता है कि पुलिस उनके पीछे आ रही है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। एक्चुअली ये दोनों फ्रॉड बिजनेस किया करते थे, इसलिए पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। अब जेल में उन्हें एक बाबा मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब थे, और वो उन्हें बताते हैं कि वो खुद ही जेल में आए हैं। साथ ही वो बाबा का कहना था कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सुनने पर घेला बाबलो से कहता है कि वो अपनी शादी के बारे में उस बाबा से पूछे। अब बाबलो पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन घेला के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो बाबा बाबलो का फ्यूचर देखते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी एक नहीं बल्कि 100 शादियां होंगी। जो सुनकर बाबलो गुस्सा हो जाता है और बाबा से कहता है कि वो एक फ्रॉड है। वो उसे पीटने लगता है, लेकिन घेला उसे शांत कर देता है। जिसके बाद अगले दिन बाबलो और घेला को जेल से छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद हम राजकुमारी बीना और उनके पति को देखते हैं, जिनके पास बैंक के कुछ ऑफिसर्स आए थे उनके महल को सील करने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजकुमारी बीना के ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया था, इसलिए बैंक वाले उन्हें वार्न करने के लिए आए थे। बैंक वाला उनसे कहता है कि अगर उन्होंने 1 महीने में 50 करोड़ का लोन नहीं चुकाया तो उनका महल सील हो जाएगा। अब बीना का पति ये सुनकर काफी टेंशन में था, लेकिन बीना कहती है कि पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जमकुड़ी वाला जो महल है उसकी बीना वंशज थी, लेकिन बीना के साथ साथ उसका एक भाई कुंवर और एक भाई था जिसकी अब डेथ हो गई थी, लेकिन उस भाई की एक बेटी है कुमुद जो कि फॉरेन में रहती थी। यानी कि बीना, कुंवर और कुमुद ये तीनों ही उस महल के वारिस थे, और बीना उस महल को बेचना चाहती थी ताकि उसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे वो कर्जा चुकाएगी। लेकिन वो जानती थी कि कुंवर उसे उसका हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि कुंवर का कहना था कि वो लड़की है तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। और इसीलिए बीना ने कुमुद को बुलाया था ताकि वो कुमुद को अपनी तरफ करे और वो महल बेचने के लिए मजबूर करे। जिसके बाद हम कुंवर को देखते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। तो वही बाबलो और घेल रानीगंज जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कुमुद से जो भी रानीगंज आ गई थी। बाबलो जैसे ही कुमुद को देखता है उसे पहली नजर में कुमुद से प्यार हो जाता है। वो कुमुद के साथ बातें करने लगता है कि तभी वहाँ पर कुमुद के अंकल कुंवर आते हैं और कुमुद को वहाँ से लेकर जाते हैं। जिसके बाद बाबलो भी अपने अंकल बाबू के पास आ जाता है। एक्चुअली बाबलो बाबू का भतीजा था। तो वही कुंवर कुमुद को बीना के घर लेकर आता है। बीना जब कुमुद को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कुमुद जब छोटी थी तभी उसने कुमुद को देखा था और आज वो इतने सालों बाद उसे मिल रही थी। तभी वहां पर बीना की बेटी आती है और कुमुद उसके साथ चली जाती है, और कुमुद के जाते ही बीना और कुंवर लड़ने लगते हैं कि वो महल किसे मिलेगा। तो वही हम बाबलो को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि गांव वाले बाबू पर गुस्सा थे, इसलिए बाबलो दरवाजा खोल के बाहर जाता है और गांव वालों से कहता है कि जमकुड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि अगर जमकुड़ी का भूत है भी तो 1 हफ्ते के अंदर वो उसे यहाँ से भगा देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपने अंकल को लेकर गांव छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तो वही बाबू बाबलो को समझाने लगता है कि जमकुड़ी सच में है, लेकिन बाबलो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। तो वही किंजल की दूसरी दोस्त भी इसी तरह से गायब हो जाती है, जो देखकर सभी लोगों का यही कहना था कि उन्होंने गरबा किया था इसलिए वो लड़की भी गायब हो गई। जिसके बाद हम बीना को देखते हैं जो कुमुद के साथ बातें कर रही थी। वो कुमुद को उनके फोटोज दिखाने लगती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। वो कुमुद से कहती है कि जब वो लोग महल में थे तो काफी ज्यादा खुश थे। अब ये सुनने पर कुमुद कहती है कि वो लोग वापस महल में रहने जाएंगे, जो सुनकर बीना काफी खुश थी क्योंकि वो भी यही चाहती थी। एक्चुअली बीना को भी पूरा यकीन है कि उस महल में खजाना है और वो भी उस खजाने को हासिल करना चाहती थी। अब बाबलो और घेला हवेली को रिनोवेट करने का काम ले लेते हैं। तभी वहां पर कुमुद भी आती है और उन्हें हवेली दिखाने लगती है। इस बीच बाबलो और कुमुद एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं, और बाबलो कुमुद के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और हम देखते हैं कि कुमुद भी उसका हंसकर रिप्लाई दे रही थी, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं बाबलो को लाइन दे रही थी। जिसके कुछ दिन बाद महल रिनोवेट हो जाता है और राजकुमारी बीना अपने परिवार के साथ महल में आती है और अपने पति से खजाना ढूंढने की बात करने लगती है, जो कि बाबलो सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ये बीना जरूर उनसे कुछ छुपा रही थी। तो वही बाबलो के अंकल बाबलो को डांटने लगते हैं कि 1 हफ्ता खत्म होने वाला है, इसलिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। जिस पर बाबलो कहता है कि वो कुमुद से प्यार करने लगा है और उसे लगता है कि वो भी उसे पसंद करती है। जो सुनने पर बाबू कहता है कि वो कुमुद के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि कुमुद एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन बाबलो का कहना था कि कुमुद ऐसी नहीं है।
जिसके बाद हम कुमुद को देखते हैं जो बीना की बेटी पारुल के साथ बातें कर रही थी। पारुल उसे बताती है कि उसे लिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे लिखना अलाउड नहीं करते। उनका कहना है कि पारुल को जल्दी से शादी करनी चाहिए। अब ये सुनने पर कुमुद पारुल को कहती है कि वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। कि तभी पारुल को एक आवाज आती है और वो जब देखने जाती है तो कोई उसे खींच कर ले जाता है, जिससे हर तरफ ये फैल जाता है कि पारुल को जमखुड़ी लेकर गई। जब ये बात बीना के पति को पता चलती है तो वो बीना के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बीना जानती थी कि ये महल श्रापित है, फिर भी वो यहाँ पर रहने आई और अब उनकी बेटी गायब हो गई है, इसलिए वो बीना पर काफी गुस्सा थे। तो वही बाबलू को कुंवर पर शक था कि कहीं उसी ने तो पारुल को गायब नहीं किया, क्योंकि कुंवर और बीना की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो दोनों हवेली के लिए लड़ रहे थे। लेकिन कुंवर उसे अपने ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जब पारुल गायब हुई थी तो कुंवर अपने ऑफिस में ही था, जिस पर बाबलू कहता है कि अगर जमकुड़ी का भूत सच में है तो आखिर वो चाहता क्या है और वो इसका पता लगा कर रहेगा। ये बोलकर बाबलू अपने घर चला जाता है। तो वहां पर किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन बाबलू देखता है कि किंजल रो रही थी क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। किंजल कहती है कि उसे गरबा में काफी इंटरेस्ट है, वो अहमदाबाद जाकर वहाँ के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन उसके मम्मी पापा इसके लिए अलाउड नहीं कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद बाबलू किंजल से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका भाई हमेशा उसका साथ देगा। जिसके बाद रात को किंजल घर से भाग रही थी कि तभी जमकुड़ी उसके ऊपर अटैक करती है और किंजल भी गायब हो जाती है, जो देखकर बाबलू काफी गुस्सा हो जाता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहने लगता है कि उन्हें जमकुड़ी को खत्म करना होगा। लेकिन कोई भी बाबलू का साथ देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सभी लोग जमकुड़ी से काफी डरते थे। कि तभी वहां पर कुमुद आती है और वो बाबलू से कहती है कि वो उसका साथ देगी। अब कुमुद को आता हुआ देखकर बाकी लोग भी बाबलू का साथ देने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह से जमकुड़ी को पकड़ेंगे। अब बाबलू दो दो लोगों की टीम बनाता है जो महल में हर तरफ जमकुड़ी को ढूंढ रहे थे। तो वही बाबलू कुमुद के साथ था और वो उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगता है कि तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और कहता है कि जमकुड़ी उसके सामने है। अब ये सुनने पर बाबलू उसे कहता है कि वो जमकुड़ी को पकड़ ले। तभी बाबलू को दूसरे आदमी का कॉल आता है और वो भी उसे यही बताता है कि जमकुड़ी उसके सामने है। अब ये सुनने के बाद बाबलू काफी शॉक था कि दो जगह जमकुड़ी कैसे हो सकती है। कि तभी कुमुद कहती है कि जमकुड़ी दो नहीं बल्कि तीन है, क्योंकि उनके सामने भी जमकुड़ी खड़ी थी। अब ये देखकर बाबलू डरकर वहां से भाग जाता है, तो वही कुमुद वहीं पर खड़ी थी। कि तभी बाबलू भूत का मास्क पहन कर आता है जिससे जमकुड़ी डर जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये असली जमकुड़ी नहीं है। जिसके बाद उन तीनों जमकुड़ी को एक जगह लाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये तो इंसान थे जिन्हें कुंवर ने भेजा था। एक्चुअली कुंवर चाहता था कि उस हवेली के पास कोई भी ना आए, इसलिए लोगों में डर बनाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। जिसके बाद पुलिस कुंवर को पकड़ लेती है। कि तभी पारुल भी वापस आ जाती है। अब कुमुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पारुल को किसने गायब किया था। तो बाबलू बताता है कि पारुल को और किसी ने नहीं बल्कि बीना ने गायब किया था, ताकि वो दिखा सके कि यहाँ पर सच में जमकुड़ी है। जिसके बाद बाबलू कुमुद को बताने लगता है कि बीना बस उसे यूज कर रही है। बीना इस महल को बेचना चाहती है और इसके अंदर के खजाने को हड़पना चाहती है, इसलिए वो कुमुद के साथ प्यार से बिहेव कर रही थी। अब ये सुनने के बाद कुमुद को गुस्सा आता है और वो बाबलू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो बीना के बारे में कुछ भी ना बोले, जिससे बाबलू काफी हर्ट हो जाता है क्योंकि कुमुद ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। लेकिन गेला बाबलू को समझाता है कि अगर वो कुमुद से प्यार करता है तो उसे अपने दिल की बात बोल दे। तो वही बीना कुमुद के पास आती है और उसे कहती है कि कुंवर ने जो किया है उसकी वजह से लोगों का शाही परिवार से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो चाहती थी कि उस महल में वो गरबा का फंक्शन रखे, वहां पर सभी लोग आकर पहले की तरह गरबा खेले और खुशियां लौट आए। अब ये सुनने पर कुमुद भी इसके लिए मान जाती है और महल में गरबा की तैयारी करवाती है, जिसके बाद वहां पर सब लोग आते हैं और गरबा करना शुरू कर देते हैं। कुमुद भी वहां पर गरबा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो वही बाबलू भी कुमुद से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुमुद गरबा में बहुत ज्यादा बिजी थी। अब कुमुद काफी फास्ट गरबा खेल रही थी, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। कि तभी कुमुद चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। कुमुद इतनी जोर से चिल्लाती है कि बीना वहीं पर बेहोश हो जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन कुंवर को देखते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन में बेल मिल जाती है और वो मनसुख के साथ मिलकर प्लान करता है कि आज वो महल को बॉम्ब से उड़ा देगा, जिसके बाद महल के नीचे जो खजाना है उसे हथिया लेगा। तो वही बाबलू भी समझ गया था कि जमकुड़ी का भूत सच में है और वो अब कुमुद पर हावी हो गया था और बाबलू को हर हाल में कुमुद को बचाना था। तभी उसे उस जेल वाले बाबा की याद आती है
और वो उसके पास चला जाता है। पहले तो बाबलो उस बाबा से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे कुमुद के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद वो बाबा उनके साथ महल में आता है ताकि पता कर सके कि जमकुड़ी यहाँ पर क्यों है। तभी वो बाबा देखता है कि वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे जमकुड़ी की बॉडी थी, इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर खुदाई करो। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर खुदाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है। जैसे ही वो लोग उसे ओपन करने जाते हैं तभी वहाँ पर जमकुड़ी की आत्मा आती है, जो कि काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर बाबलो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तभी हम कुंवर और उसके आदमियों को देखते हैं जो महल में बॉम्ब फिट कर रहे थे, लेकिन जमकुड़ी की आत्मा उन सबको अच्छा सबक सिखाती है और कुंवर को तो मार ही देती है। जिसके बाद बाबलो जमकुड़ी से पूछता है कि आखिर वो गाँव वालों को तंग क्यों कर रही है और उन मासूम लड़कियों को क्यों गायब कर रही है। बाबलो उससे कहता है कि अगर उसे खजाना चाहिए तो वो सारा खजाना लेकर जाए, लेकिन उन लड़कियों को छोड़ दे। यहाँ पर बाबलो जमकुड़ी से कहता है कि आखिर उसने 99 रानियों को क्यों मारा। अब ये सुनने के बाद जमकुड़ी कहती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि उसकी कहानी बदली गई थी। जमकुड़ी बताती है कि जब राजा इंद्र का यहाँ पर राज्य था तो जमकुड़ी वहाँ की एक आम सी लड़की थी जिसे लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। जमकुड़ी चाहती थी कि जिस तरह मर्दों को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से औरतों को भी सेम ट्रीटमेंट हो, उन्हें भी उनका हक मिले, और जमकुड़ी इसके ऊपर ही हमेशा लिखा करती थी। लेकिन जमकुड़ी के घर वालों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसकी सारी राइटिंग्स वो जला देते हैं। जिसके बाद जमकुड़ी को राजा का रिश्ता आता है, जो सुनकर जमकुड़ी काफी खुश होती है, क्योंकि अगर वो राजा से शादी करेगी तो वो रानी बनेगी और रानी बनकर वो अपनी राइटिंग कंटिन्यू कर सकती थी और समाज में बदलाव ला सकती थी। इसलिए जमकुड़ी ने शादी के लिए हाँ कहा और उसकी राजा के साथ शादी हो गई। लेकिन महल आने पर उसे पता चला कि राजा की ऑलरेडी 99 रानीज थी। जमकुड़ी जब उनके साथ रहने लगी तब उसे पता चला कि हर एक रानी एक आर्टिस्ट थी और राजा इंद्र ने उनके साथ शादी इसलिए की थी ताकि वो उन लड़कियों की बलि दे सके। एक्चुअली रानीगंज में सूखा पड़ने लगा था और काफी कुछ बुरा हो रहा था। तब राजा को किसी ने कहा था कि अगर वो 100 ऐसी लड़कियों की बलि दे जो किसी न किसी चीज में माहिर हो तो यहाँ पर जो भी प्रकोप है वो सब कुछ हट जाएगा और राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। इसलिए राजा ने 99 लड़कियों से शादी की थी ताकि वो उनका बलि चढ़ा सके। अब राजा एक दिन उन रानियों को मार देता है। जब जमकुड़ी ये देखती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तब नवरात्रि का टाइम था और सभी लोग गरबा खेलने में बिजी थे। जमकुड़ी जाकर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी राजा के खिलाफ जाकर जमकुड़ी की मदद नहीं करता, जिसकी वजह से जमकुड़ी को राजा के लोग पकड़ लेते हैं और राजा के सामने लाते हैं। जमकुड़ी जानती थी कि वो राजा का कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेती है। लेकिन जाने से पहले वो रानीगंज के लोगों को श्राप देती है कि कभी भी वो उन्हें नवरात्रि सेलिब्रेट करने नहीं देगी, क्योंकि नवरात्रि में देवी की पूजा होती थी, लेकिन उन लोगों ने एक औरत की मदद नहीं की। इसलिए जमकुड़ी का गांव वालों को श्राप था कि अगर उन्होंने गरबा खेला या नवरात्रि सेलिब्रेट की तो वो उन्हें खत्म कर देगी। अब जमकुड़ी की असली कहानी सुनने के बाद सभी लोगों को जमकुड़ी के लिए काफी बुरा लगता है। जिसके बाद बाबलो जमकुड़ी से वादा करता है कि आइंदा वो किसी औरत के साथ अन्याय होने नहीं देगा, लेकिन जमकुड़ी को गांव वालों को छोड़ना होगा क्योंकि इसमें इन सब की गलती नहीं है। बाबलो कहता है कि इसके बदले वो जमकुड़ी के साथ शादी करेगा। अब ये सुनने पर जमकुड़ी बाकी रानियों की आत्मा को भी वहां पर बुलाती है और बाबलो से कहती है कि उसे इन सबके साथ शादी करनी होगी क्योंकि इन सबके साथ अन्याय हुआ था, और बाबलो भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी के साथ शादी कर लेता है। और इस तरह से उस बाबा ने जो कहा था वो सच हो जाता है और बाबलो की इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उन सारी रानियों को मोक्ष मिल जाता है कि तभी गांव वालों के पास उनकी लड़कियां वापस आ जाती हैं, जो देखकर गांव वाले भी काफी खुश थे। लेकिन अभी तक किंजल वापस नहीं आई थी, इसलिए उसके घर वाले काफी दुखी थे कि तभी किंजल भी वापस आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंजल गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो अहमदाबाद भाग गई थी और उसकी मदद गेल ने की थी ताकि किंजल अपने सपने पूरे कर सके। अब दूसरे दिन गेल बाबलो से कहता है कि वो लोग भूत भगाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाबलो को कुमुद की चिंता हो रही थी क्योंकि कुमुद अभी तक वापस नहीं आई थी कि तभी वहां पर कुमुद आती है और बाबलो से थैंक्स कहती है क्योंकि बाबलो की वजह से ही जमकुड़ी और रानियों को मुक्ति मिली थी। जिसके बाद बाबलो कुमुद को कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन इससे पहले कि कुमुद कुछ कह पाती गेला उसे अपने पास बुलाता है। गेला बताता है कि यहाँ पर एक लड़की आई है जिसका नाम है कुमुद। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली असली कुमुद अब आई थी। जिसके बाद बाबलो जब उसकी वाली कुमुद के पास देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, और यहाँ पर हम समझ जाते हैं
कि जो कुमुद पहले आई थी वो कोई और नहीं बल्कि जमकुरी थी, और अब उसे मुक्ति मिल गई थी। जिसके बाद गांव वाले रानियों के सारे सामान को और जमकुरी की फोटोज को महल में काफी अच्छे से सजा देते हैं, और गांव में हर तरफ नवरात्रि का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो वही बाबलो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जमकुरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।